यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को सोनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था, एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जीवा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपरार पार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है। जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं, इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहां पर इस रूप में देखने को मिल रहा है। यानी एक नई कड़ी और एक नई मणि इस नेमिस क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम के रूप में। ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगत जगदम्बा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नेमिस क्षेत्र में हुआ है।
आप सब जानते हैं नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई। आज चल रहे युद्ध स्तर पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है और ये तो हमारा सौभाग्य है, भारत की इस विरासत को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है, आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था, आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे वहां पर भी पुनरोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद यह अवसर आया है जब कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को संबल प्रदान हुआ है। भगवान राम की जो मर्यादा थी उस मर्यादा का पालन करते हुए, न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय दिया वह दुनिया के लिए अनोखा उदाहरण है। और आज वे दर्जनों पीढ़ियां जिनके मन में अभिलाषा थी कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला को विराजमान हुआ देखेंगे, अधूरी आशा के साथ वे चले गए, साकेत धाम में प्रवेश कर गए, लीन हो गए, वे देख नहीं पाए। लेकिन हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है, फिर से अयोध्या धाम में विराजमान होते हुए देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव के आयोजन के साथ हम सब सक्रिय रूप से सहभागी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सभी कुछ न कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, इन अच्छे कार्यों से हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सब भी इस कार्य के साथ सहभागी बने। इन धार्मिक आयोजनों के साथ साथ समाज के निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए हम भी आगे आकर कार्य करें। समाज और सरकार जब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ती है तो उसकी प्रोग्रेस जो होती है कई गुना बढ़ जाती है, तो परिणाम आते हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। जब एकांगी होता है तो अधूरा रह जाता है, केवल समाज ही नहीं सरकार भी सहयोग करे, केवल सरकार ही नहीं समाज भी साथ साथ चले, ये सब मिलकर के जब करेंगे तो कई गुना उसका लाभ मिल जाता है। और आज उसका परिणाम हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। नैमिषारण्य अपने पुरातन वैभव को प्राप्त हो, इसका जो स्वरूप है वो उसी रूप में फिर से प्राप्त हो सके, वह धर्म के हित में तो है ही लेकिन अर्थ के हित में भी है। अगर यहां का पुरातन वैभव पुनर्स्थापित हो जाता है, पुराना स्वरूप पुरातन स्वरूप फिर से यहां पर स्थापित होता है, हजारों लोगों को रोजगार की सुविधाएं यहां प्राप्त हो जाएंगे। स्थानीय नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार कहीं और नहीं, हम अयोध्या में देख रहे थे, अयोध्या में पहले ही सप्ताह में जब मुझे 2-3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, जो लोग उस समय कुछ लोग विरोध करते थे, जैसे कोई अच्छा कार्य होता है बहुत सारे लोगों की आदत होती है हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जब हम लोग गए फिर मैंने पूछा, हमने कहा आप कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है। हमने वहां के व्यापारियों से पूछा कितना कुछ लाभ भी हो रहा है यहां से कि केवल लोगों की भीड़ आ रही है, उन्होंने कहा साहब हमारा बिजनेस 1 सप्ताह में ही 30 गुना बढ़ गया है, अब आप अनुमान कर लीजिए। तो यही होता है, जब अच्छा कार्य होता है तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है, यज्ञ भी होता है तो यज्ञ में हर तबका लाभान्वित होता है, एक राजमिस्त्री से लेकर के एक श्रमिक से लेकर के एक यज्ञाचार्य तक हर एक को पुण्य प्राप्त होता है, और उस पुण्य के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति पंथ भेष भूषा खान पान इन सबसे ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हमें सब हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है।